दोस्तों नमस्कार। तो बात करते हैं हॉटस्टार पर रिलीज हुई विक्की कौशल की मूवी की, जिसका नाम है गोविंदा नाम मेरा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि दुकानदार हमें सामान कुछ और दिखाता है और दे कुछ और देता है, तो ये फिल्म भी कुछ वैसी ही है। इसके ट्रेलर को देखकर लगा था कि ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉमेडी ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन सब जॉनर की मूवी है। अब ये मूवी सही है या खराब, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। एक कोरियोग्राफर है जिसका नाम है गोविंदा। उसके पास काम कुछ है नहीं। उसकी बीवी है गौरी, जो गोविंदा से तलाक चाहती है और तलाक के बदले चाहती है 2 करोड़। एक उसकी गर्लफ्रेंड है जो गोविंदा से शादी करना चाहती है। गोविंदा की माँ है जो एक नंबर की ड्रामेबाज है। दरअसल गोविंदा की माँ एक डांसर थी और उसका बाप एक डायरेक्टर। एक मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों की नजरें लड़ी और गोविंदा इस दुनिया में आ गया। उसका बाप तो मर गया, लेकिन गोविंदा के लिए मुंबई में छोड़ गया 150 करोड़ का बंगला, जिसमें गोविंदा की फैमिली रहती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके बाप की एक दूसरी बीवी और उसका एक बेटा भी है, जो अपनी जमीन जायदाद को निपटाकर गोविंदा के बंगले को हड़पने के लिए उस पर केस कर देते हैं। इस केस में गोविंदा की मदद करता है उसका दोस्त, जो पेशे से एक वकील है। इसमें और भी कई सारे किरदार हैं। एक नशेड़ी सिंगर है जो क्या बोलता है क्या करता है समझ के बाहर है। उसका अमीर बाप है जो एक नंबर का कंजूस है। एक भ्रष्ट पुलिस वाला भी है। अब हो जाता है एक मर्डर जिसका सीधा शक जाता है गोविंदा पर। अब गोविंदा इस सब से बच पाता है या नहीं, या मर्डर उसी ने किया है, ये सब आप मूवी में जान पाएंगे। दोस्तों ये फिल्म उतनी ज्यादा खराब नहीं जितना इसके ट्रेलर को देखकर लगा था। इस फिल्म का प्लस पॉइंट भी यही है कि ये इतने सारे जॉनर की मूवी है, और इसका माइनस पॉइंट भी यही है क्योंकि ये सारे जॉनर मूवी में डालने की वजह से मूवी इतना घूमती है कि हमारा सर घूमने लगता है। छोटा सा कोर्ट रूम ड्रामा है जो कोर्ट तो कहीं से नहीं लगता। बाकी एक्टर्स की एक्टिंग भी ठीक ठाक है। कियारा ने अपना काम बढ़िया किया है। उमी के पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं, और विक्की को इस मूवी में देखकर लगता नहीं कि उन्होंने उरी और सरदार उधम जैसी मूवी दी है। इसका म्यूजिक भी चलता हुआ किस्म का है। तो दोस्तों ये एक एवरेज मूवी है, एक बार देखी जा सकती है। मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार। बाकी अगर आपने गोविंदा नाम मेरा देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिचकावासी रिव्यू को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।